ओ बिल्लू। गाइस, यार एक बात बताओ कि मैं कहीं मतलब तुम लोगों को मैं कहीं गुस्सेल तो ना लगती? क्या लगता है तुम्हें? गोपी? बताओ बोलते हो दोनों या दोनों के गालों पे एक एक खींच के रैप्टर जमाऊं, एक को सुमेरपुर दूसरे को हमीरपुर भिजवा दूं मैं? आ जाता है इंसान को गुस्सा कभी, थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है, इसमें क्या है? खुद को देखा है? लीचड़ एक नंबर का थर्ड ग्रेड आदमी, खाली तो सकल देख के कोई भड़क जाए। कोई शांत मिजाज का प्लेजेंट कोई साधु संत भी हो ना, उसका भी दिमाग तप जाए। और यो इसको एक काम कहते तो ना, कोई जो है फाइल पहुंचानी हो तो कुछ बात कर लो तो कमिश्नर साहब की वजह से यहाँ पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल यहाँ सर पे आके बैठ गया है, गुस्सा नहीं आएगा? एक्सक्यूज मी मैडम, पास्ता परेशान है। अबे तो पास्ता परेशान है तो पिज्जा से कहे उसको बिल्कुल पेम्पर करे, इडली ले जाए साथ में, यहाँ के लेने आया है तू स्पेगेटी? अरे नहीं, आप समझी नहीं मैडम, देखिए मुझे एक लड़की के खिलाफ FIR लिखवानी है, पास्ता परेशान है। अम्मा का नाम क्या थारी? अम्मा का नाम क्यों नहीं, मैं भी तो जानू वो कौन है माई जिसने ऐसा जियाला लाल जना है, जो मारी चौकी में मारे सामने आके मारे से ही कह रहा है कि मैं कुछ समझी ना। वेल ब्रो, जल्दी बोलो क्या है मैटर इज द, वरना मॉम के गुस्से का ऑन हो जाएगा जनरेटर इज द। तू एक काम कर, यहाँ पोस्टर लगवा दे, तू रेडियो में अनाउंस करवा ले, तू भोपू ले ले तू। नहीं थारे तुम जैसे लोग हो ना यहाँ पे तो दुश्मन की किसको जरूरत है? कोई ना है मतलब यहाँ इस चौकी में कोई ना है जिसकी बात सुन के कानों को जरा से रस मिले, कोई ना है जो यहाँ दो मीठे बोल बोल ले मारे से आई लव यू। सर, सर क्या कही आपने? हमने कहा आई लव यू, आपने सुना आई लव यू, सबने सुना आई लव यू। हम क्या कह रहे हैं ना मिचोड़ा ला, आई लव यू नाम की फिल्म लगी है नारायण टॉकीज में, बहुत अच्छी फिल्म है, आप अगर आप कहे तो, और अगर आप फ्री है तो आफ्टर ड्यूटी वी कैन गो वॉच द मूवी, वेरी नाइस मूवी में चढ़ाला। हाय दया। मैडम तो ना कर देंगी सर। हाय। एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ आपके साथ में, कॉर्नर की सीट ले लीजिए सर। नहीं मैं क्यों ना करूंगी, मैं नहीं, मैं छोरी ना हूं, मैं मारा मन ना करता, जज्बात ना है मारे, मारा मन ना करता कि मैं भी कुछ खुशियां अपने आंचल में समेट लूं, अच्छी सी ड्रेस पहन के, बैग लटका के, हील्स पहन के, लिपस्टिक लगा के मैं भी मॉल में घुस लूं। नहीं मैं अपना फिल्म वगैरह देखा हूं, नहीं तू ही लेगा मजे जिंदगी के सारे। तू जो है म्यूजियम में जाके अम्यूजमेंट पार्क में झोटे भी तू ही खा ले। सर मैं जाऊंगी फिल्म देखने, और जाऊंगी जाऊंगी और कार्नर सीट पर बैठूंगी मैं सर, आप टिकट खरीदिए। वाओ। करा दिया समझे, करा दिया हमने। अरे लेकिन बाद में टिकट बुक कराइए, पहले मेरे केस का क्या हुआ मैडम? देखिए मैडम, मैं ना एक लड़की के खिलाफ FIR लिखवाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे शक है कि वही है जो मेरी परेशानी का कारण है, पास्ता परेशान है। हाँ। नाम के चांगली ब्रूसली जेटली का भाई हो रहा है तू? अरे नहीं नहीं मैडम, ब्रूसली जेटली नहीं, मैं तो राजेश खन्ना और विनोद खन्ना का भाई हूँ।
यार बिल्लू मन ने तो बेराई कोई ना, इन सुपरस्टार्स ये दोनों आपस में भाई है। मैडम फिल्म इंडस्ट्री में तो सरप्राइज आते रहते हैं। हाँ ये भी है यार। अरे नहीं, फिल्म स्टार राजेश खन्ना विनोद खन्ना नहीं, मेरे भाइयों का नाम है राजेश खन्ना विनोद खन्ना और मैं उनका छोटा भाई हूँ नवीन खन्ना। पास्ता परेशान है। हाय यार तुम अजीब आदमी हो, मॉम ने तुम्हारे भाइयों का नाम क्या पूछा है? अरे पूछा ना दादाजी अभी इन्होंने कि तुम ब्रूसली और जेटली के भाई हो, तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो राजेश खन्ना और विनोद खन्ना का भाई हूँ, पास्ता परेशान है। अबे क्या कंफ्यूजन कर रहे हो यार इतना, तुमने तो कहा तुम्हारा नाम चांगली है। क्या बात करे सर, मेरा नाम चांगली नहीं, नहीं चांगली तो उस महाराष्ट्रीयन लड़की का नाम है जिसके खिलाफ मुझे FIR लिखवानी है। मैडम देखिए ये लड़की जो ना मेरे पड़ोस में रहती है, दरअसल बात यह कि मुझे रोज एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि भाई आज एक महाराष्ट्रीयन डिश, कभी लिखा होता है पूरन पोली बना के छत पे रख दो, कभी लिखा होता है सोन कड़ी बना के वो सामने वाले सिग्नल पे 3 बजे जाके छोड़ा, और कभी कुछ कभी कुछ। मैडम इस तरह से मुझसे रोज एक न एक नई महाराष्ट्रीयन डिश बनवाई जा रही है मैडम। और मैडम मुझे शक है कि ये काम उसी लड़की का है चांगली का, जो कि एक महाराष्ट्रीयन लड़की और मेरे पड़ोस में रहती है। पास्ता परेशान है। हाँ निबो, अगर डिमांड कर रही तो तू क्यों सप्लाई हो रहा है? क्या करूं मैडम क्या करूं, उस लेटर में लिखा होता कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो इसलिए पास्ता परेशान है। हाँ अच्छा ठीक है, बिल्लू लेके आ तो जरा छोरी ने। थैंक यू। आई आई देखिए एक मिनट, सीढ़ियाँ हैं सीढ़ियाँ, देखिए आराम से। आई 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 जय मैडम, मैं ले आया इन्हें। बड़ा भारी काम कर दिया, एहसानों के बोझ तले दाब दिया। आई एम ओब्लाइज्ड, कृतज्ञ। नाम बोलो। मैडम पूना से तारा सांगली, मैं मुलगी आहे चांगली, डीपी अच्छा है। डीपी तो अच्छा है लेकिन काम तो अच्छा नहीं है ना तुम्हारे। क्या कर रही हो? हैं ना अपने पड़ोसी नबीन खन्ना के संग क्यों कर रही है अत्याचार? उसको चिट्ठियां लिख लिख के क्यों धमका रही कि तुम्हारे लिए महाराष्ट्रीयन खाने बनाए? ये आप क्या बोल रही है मैडम, मैं काय को महाराष्ट्रीयन खाने की डिमांड करेगी? और नहीं तो क्या? अरे मैं तो खुद महाराष्ट्रीयन है और मैं तो एकदम मस्त खाना बनाती है, बटाटा वड़ा, कांदा पौवा, मिसल पाव। सच? हाँ मेरा बाबा है ना मुंबई में डिब्बे का काम करता है और पूरे मुंबई में खाना सप्लाई करता है। इतना नेक काम करते हैं ना। इधर आना जरा, आपको डब्बा लगवा दूं मैडम आपका। नाम के तुम्हारा चांगली बताया। तो चांगली तुम, मतलब ये तुम्हारे कहने का है कि तुम नहीं कर रही हो सब कांड, तुम नहीं उससे जो है खाना बनवा रही, चिट्ठियां धमका नहीं रही तुम उसको। मैडम मैं बोली ना, मैं पूना से तरह सांगली, मुल गया है चांगली। मैं इधर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने को आई, ये सब करने को नहीं आई। मैडम मैं गोलू, मैं कुछ बोलू? बोल डाल। मैडम हो सकता है ये काम कोई और कर रहा हो। अच्छो 3 कमते हैं हमारी जो है जान को रोने को, जो तू भी आ गया है राउंड सरकमफ्रेंस का। मैडम मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मैं जाऊँ, डीपी अच्छा है। जा पर याद रहे भाई तू पुलिस के घेरे में आ गई निगाह के, और जो एक बार पुलिस की निगाह में आ जावे ना फिर उसकी लाइफ बन जावे ट्रबलसम। जस्ट अ वार्निंग, निकलो। चलो मैं आपको छोड़ के आ जाता हूँ। नहीं मतलब कि वो उसी तरफ जा रहा हूँ मैं, आपके कॉलेज की तरफ। वो जीजू का मतलब कि कमिश्नर साहब का मैडम मुझे फोन आया था कि बेटा एक फाइल है वो तू लेके जा यहाँ से, वो आपको देनी है उन्होंने एक फाइल। तो जीजू ने मतलब कमिश्नर साहब ने मैडम मुझे फोन करके बोला मैं फाइल ले आऊं मैडम वो आपके लिए। जा। एक मिनट बस यहीं रुकना। ओ बिल्लू उठ 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 उठ।
भैया के स्कूटर की चाबी है, दूसरी मैंने बनवाई है। चलो ये आइए देखिए, एक मिनट, सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ, आराम से। चंद्रमुखी गोपी जी, मैं गोलू में कुछ बोलूं? वेल चंपी, करते करते मत कुछ बोल इसदा, हसीना ही अगर नाका है, मैं हूं टोल इसदा। गोपी जी आप कितने साल के हैं? एक्सक्यूज मी, गोपी को कभी उसकी उम्र और कभी कमर के बारे में मत कुछ पूछना इसदा, दे देता हूँ तुझे ये सूचना इसदा, से सॉरी इसदा, ट्रक कार एंड लॉरी इसदा। सॉरी। वाओ आए मसाज पार्लर है। नहीं वो तो बस सुनो क्या, और आज अपने प्रा के बगैर जो है गोलू से क्यों करवा रहा मसाज? वो आया नहीं जी अब तक। अबे इस बिल्लू को क्या हो गया है? कल मैंने एक काम कही थी ना, बोनी किया उसने, आज लेट भी आ रहा है, अजीब आदमी यार। या मॉम, पिछले दो दिनों से यही है उसका हाल इसदा, हसीना अगर मांगे तो मैं हूँ हड़ताल इसदा। अबे यो ही हाल है तो तू यहाँ राइमिंग बैठाने के लिए है या चंपी करवाने के लिए? यो पता लगा चक्कर के, मन ने दाल में कुछ काला लग रहा है। आए जाए। चाय में डूबा किस किट हो गया, मैं तो एवं ही डूब गया, मैं तो एवं ही डूब गया। गोपी जी मैं गोलू में कुछ बोलूं? बोल दे जल्दी बोल दे, जिस काम के लिए तुझे भेजा था वो हुआ या नहीं इसदा, हसीना है अगर महाराष्ट्र है तो मैं हूँ मुंबई इसदा। गोपी जी आपका शक सही निकला, मैंने बिल्लू का पीछा किया। फिर क्या हुआ इसदा, हसीना अगर बाल्टी है तो मैं हूँ कुआं इसदा। मैंने ये देखा कि वो बिल्लू वो चांगली के साथ घूम फिर रहा था, फिर फिल्म देखने भी गया। तो ये चक्कर है, तभी बिल्लू गायब गायब रहता है, इसका मतलब चांगली के साथ उसका लारा लप्पा शुरू हो गया है। ये बात मॉम को बतानी पड़ेगी। फिर वो होंगे आमने सामने इसदा, हसीना मुझे देख के अपना दिल लेती है थामने इसदा। गोपी जी मेरी पड़ोसन आपके बारे में कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी, हसीनाओं का देवता कहाँ है? अगर आप उसे कहीं दिख गए तो वो आपका मुंह नोच लेगी। वेल जाके मॉम को बताता हूँ क्या चक्कर है। वाह यहाँ मोहब्बत का हलवा पक भी गया, लोगों ने खा भी लिया और हमें खबर तक ना लगी। नहीं मैडम, मैं आपको बताने वाला था लेकिन फिर मैंने इसलिए आपको नहीं बताया कि फिर क्या होता है, मैं बता देता हूँ सब कुछ, फिर मेरा तो कुछ होता ही नहीं है। और तड़के लग रहा है कि इस बार थारा सब मतलब हो जाएगा और थारी शादी इस छोरी से हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, क्योंकि मुझे चांगली पे मैडम पूरा भरोसा है, ये मुझे धोखा नहीं देगी कभी भी। मैडम मुझे भी बिल्लू पे पूरा भरोसा है कि वो मुझे धोखा नहीं देगा,
क्योंकि मैं पूना से तारा सांगली मुलगी आहे चांगली डीपीएच आहे। भाई बिल्लू, तूने अपनी उस आदत के बारे में चांगली को बता दिया है ना? हाँ बता दिया मैंने। आहा। और वैसे भी अब मैं भूलता नहीं हूँ भैया, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ ना, अब तो कभी साल दो साल में एक आध दफा हो गया तो भूला। हेलो हेलो हाल ले चलूं की उड़ान संख्या 525 में आप सबका स्वागत है। मैं विमान का कप्तान विवेक मंचला बात कर रहा हूँ। बाहर का मौसम बिल्कुल साफ है, थोड़े छिटपट बादल हैं, हम लोग जमीन से 10,000 फीट ऊपर हैं। बाहर का तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस। हमारे साथ विमान में बालाएं हैं रीना, पिंकी, पिंकी अंदर आना। आज हम एक इंजन से काम चलाएंगे। प्लेन क्रॉस हो जाएगा फिर उठेगा दुकान कुर्सी की पेटी। कुछ हुआ था क्या? देख लो भाई चांगली, सब तुम्हारी आंखों के सामने है, देख लो, जांच लो, सोच लो, परख लो, फिर बाद में यूं नहीं कहना कि मैडम डिफेक्टिव पीस है, आपने थमा दिया मन्ने। नहीं मैडम, बिल्लू मुझे पसंद है, लेकिन 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 मैडम मेरा बाबा इस शादी के लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि है ना उसको मेरी शादी किसी महाराष्ट्रीयन लड़के से करना है, क्योंकि मेरे बाबा को संस्कृति और कल्चर से बहुत प्रेम है। डीपी अच्छा है। हाँ मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैडम, मेरी इस बस्ती हुई गृहस्थी को उजड़ने से बचा लीजिए मैडम। अगर मेरी शादी चांगली से नहीं हुई ना तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगा। बस बकवास तो कर मत, लपड़ दूंगी मैं खींच के गया। ए बाबा कहाँ है तुम्हारे चांगली? मैडम मेरा बाबा कल कॉलेज की फीस भरने के लिए मुंबई से आ रहे हैं। ठीक है, ये काम करो, अपने बाबा से जरा रिक्वेस्ट करो ये चौकी में आए और हमारे से मिले, मैं उनसे बात करती हूँ। ये, ये। ठीक है जा बिल्लू, छोड़ गया छोरी ने। और हाँ छोरी सच में चांगली है। थैंक यू मैडम। बस मम्मी जी, मेरे बिल्लू का घर बस जाए जी, उसके बाद मैं गंगा नहाऊं। चलो इसी बहाने नहा तो लेगा। वेल स्कूटर ले गया मेरा यार। चांगली, आज मैं अपने दिल की वो हसरत पूरी करना चाहता हूँ जो मैंने हमेशा से सोच के रखी हुई थी। कसरत? नहीं कसरत नहीं, हसरत हसरत, इच्छा होती है ना किसी आदमी की। Yes! वो ये थी कि तुम ऐसे ही मेरे सामने बैठी रहो, मैं ऐसे ही तुम्हें देखता रहूं और तुम्हें देखते देखते एक रोमांटिक सा गाना गाऊं। तो गाओ ना। दीदी कुछ दे देना खाने को, खाया नहीं है कुछ ना, कुछ तो दे दे, कुछ दे दे नारियल दे देना, खुश रहो बाबा। जो हुआ था क्या? अभी तुम नंबर वन भिखारी हो गए थे। चांगली आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, ये जानते हुए भी कि मुझे भूलने की बीमारी है, तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, अब तो गाना बनता है। बस चांगली बस, अब वो दिन दूर नहीं है जब शहनाई बजेगी, घोड़ी सजेगी, मैं बनूंगा दूल्हा और
तुम जलाओगी मेरी गृहस्थी का चूल्हा। ना शहनाई बजेगी ना घोड़ी सजेगी, ना बनेगा ये दूल्हा और ना चांगली जलाएगी इसके घर का चूल्हा, क्योंकि मेरे होते हुए ये शादी नहीं हो सकती। अब देखो मैं क्या करता हूँ।